चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्च इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। एक हमारा सॉर्टेड एरे है, किसी एक पॉइंट से हमने उसको रोटेट कर दिया। अब उसमें एक हमें एलिमेंट ढूंढना, तो एलिमेंट ढूंढना तो देखो यार हमेशा बहुत ही आसान चीज़ होती है, बिग ऑफ एन में हो जाता है। लेकिन द कैच इज हमें लॉग एन में करना है। मतलब लॉग एन का मतलब क्या है? बाइनरी सर्च करनी है, ठीक है, बाइनरी सर्च करनी है। तो हमें बस यहाँ पर एक तरीके बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। अब किस तरीके से करनी है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारा क्या है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा सॉर्टेड एरे होना था 1 2 3 5 6 7 8 9 10। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस पॉइंट से इसको रोटेट कर दिया और इसको यहाँ से हटा कर यहाँ ले आए, ठीक है। तो इस कंडीशन में थोड़ी सी कंडीशन हमारी क्या हो जाएंगी, एक्स्ट्रा आ जाएंगी, जिसमें हमें अपने क्वेश्चन को देखना होगा कि हमारा टारगेट कहाँ है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो इसको हम उठाते हैं और अपने उस पर लाते हैं और चलो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब देखो यार बाइनरी सर्च तो नॉर्मल सबको पता है क्या होती है, ठीक है। बाइनरी सर्च नॉर्मल सबको पता है क्या होती है, आपको भी पता होगी बाइनरी सर्च क्या, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं पता तो बस ऐसे बता रहा हूँ कि ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है, इसमें एक मिड एलिमेंट ले लूँगा। तो देखो अगर मेरा टारगेट फॉर एग्जांपल 3 है, कुछ भी है, अगर मेरा टारगेट मिड से छोटा है तो मतलब वो इस एरिया में आएगा, और मिड से बड़ा है तो वो इस एरिया में आएगा, ठीक है। तो ये लो, ये हाई, और फिर ये एक मिड हो जाएगा कि अगर इससे छोटा है तो इस एरिया में, इससे बड़ा है तो इस एरिया में, फिर ये लो, ये मिड, ये हाई, ये मिड हो जाएगा। अगर इससे बड़ा है तो इस एरिया में, इससे छोटा है तो इस एरिया में, तो लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना होगा, ये रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बाइनरी सर्च वर्क करता है। अगर नहीं पता तो एक नॉर्मल बाइनरी सर्च आप एक बार देख लेना, ठीक है। एक बेसिक मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, हमें सेम चीज़ यहाँ पर करनी है, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर करनी है। क्या होगा, एक हमारा n साइज़ होगा, n क्या होगा, हमारा एरे का साइज़ होगा, ठीक है। जब n हमारा एरे का साइज़ होगा तो अब हमें क्या करना है, तो एक लो होगा हमारा और एक हाई होगा, ठीक है। नॉर्मल बाइनरी सर्च चलाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, लो, ये हमारा हो जाएगा लो, और ये हमारा हो जाएगा हाई। और बाइनरी सर्च मेरी कब तक चलती है, वाइल मेरा लो, यार यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, ठीक है। बाइनरी सर्च मेरी कब तक चलती है, जब तक मेरा वाइल, जब तक लो मेरा लेस देन हाई है तब तक मैं इसको चलाऊँगा, ठीक है। जब तक लो मेरा लेस देन हाई है तब तक मैं इसको चलाऊँगा। और सिंपल सी चीज़ है, एक मिड तो लूँगा, ठीक है, इंट मिड क्या हो जाएगा, लो प्लस हाई बाय टू, लो प्लस हाई बाय टू, ये क्या है, मिड इंडेक्स है। यहाँ पर लो, हाई, मिड, ये सब क्या है, एक तरीके के इंडेक्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, एक तरीके के इंडेक्स हैं। अब देखो यार नॉर्मली जब हम सॉर्टेड उसमें चलाते थे तो सारा हमारा क्या होता था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता था, सारा का सारा एरे हमारा क्या होता था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता था। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है कि हमारा यहाँ तक तो इंक्रीजिंग है और फिर यहाँ तक अलग एरे चल रहा है, दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट क्या है कि यहाँ से तो 5 6 7 8 9 10 ऐसे चल रहा है, फिर 1 2 3 ऐसे चल रहा है। नॉर्मल क्या होता था, एक ही लाइन हमारा सॉर्टेड एरे रहता था। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ तक लो से लेकर मिड तक तो मेरा बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, मतलब ये जस्ट एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि हर बार लो से मिड तक मेरा इंक्रीजिंग चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आता हूँ ये मेरा मिड बनेगा, तो 9 से 10 तक मेरा इंक्रीजिंग, मिड तक इंक्रीजिंग चल रहा है, लेकिन यहाँ मिड से आगे तक भी मेरा इंक्रीजिंग में चल रहा है, ठीक है। तो लो से मिड तक तो इंक्रीजिंग चलेगा, फिर यहाँ से क्या है, 9 से 10 तक है, फिर यहाँ पे क्या है, ब्रेक पॉइंट है, तो ठीक है। तो इस चीज़ को मुझे ध्यान में रखना है, ठीक है, इस चीज़ को मुझे ध्यान में रखना है। तो इसके लिए ये मेरा है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या चीज़ चेक करूँगा। देखो अगर मेरी मिड की वैल्यू हाई की वैल्यू से ज़्यादा है, अगर मेरे मिड एलिमेंट की वैल्यू हाई के एलिमेंट से ज़्यादा है, तो मतलब लो से लेकर मिड तक तो मेरा इंक्रीजिंग है और यहाँ पर मेरा दिक्कत वाला है, ठीक है। तो यह सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यही चीज़ डिफाइन करूँगा कि अगर मेरी मिड की वैल्यू, अगर मेरे मिड की वैल्यू ग्रेटर देन एरे ऑफ हाइस है, अगर मेरे मिड की वैल्यू हाई की वैल्यू से ज़्यादा हो गई, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो जो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट है वो मिड से लेकर हाई के बीच में आएगा, ठीक है, वो ले क्या आएगा, मिड से लेकर हाई के बीच में आएगा। तो मिड से लेकर हाई के बीच में हमारी कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो या तो जो मिड से बड़ी हैं, मिड से लेकर हाई के बीच में वैल्यूज़ मेरी क्या हैं, या तो जो मिड से बड़ी हैं या जो मेरी हाई से छोटी हैं। मिड से बड़ी और हाई से छोटी वैल्यूज़ मेरी क्या हैं, इस मिड से हाई के बीच में, ठीक है, मिड से
हाई के बीच में मेरी कौन कौन सी वैल्यू हैं जो मिड से बड़ी हैं या तो मिड से बड़ी हैं, ऐसा नहीं कि सारी या तो मिड, ऐसा एंड कंडीशन नहीं है, और वाली कंडीशन है। और एंड कंडीशन क्या होती कि मिड से बड़ी और हाई से छोटी, यहाँ पर और कंडीशन है कि मिड से बड़ी वैल्यूज़ भी हैं और हाई से छोटी वैल्यूज़ भी हैं। तो मुझे अपना यहाँ पर टारगेट के हिसाब से यहाँ पर मैं अपना चेक करूँगा क्या कि अगर मेरा जो टारगेट है, अगर जो मेरा टारगेट है वो मेरा बड़ा है मिड की वैल्यू से, ठीक है, अगर जो मेरा टारगेट है वो मिड की वैल्यू से बड़ा है तो वो ऑब्वियसली इधर वाली साइड आना है। और टारगेट अगर मेरा लेस देन इक्वल्स टू हाई है, यहाँ पर देखो ये दोनों कंडीशन देखो, अगर मेरा टारगेट या तो मेरा मिड से बड़ा होना चाहिए या हाई से छोटा होना चाहिए तो ही वो इस पोर्शन में लाए करेगा, ठीक है। अगर मेरा टारगेट मिड से बड़ा हुआ और हाई से छोटा हुआ तो मैं क्या करूँगा, लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन, ठीक है। मेरा टारगेट यही हो सकता है ना कि या तो मिड से बड़ा हो या हाई से छोटा हो, दोनों नहीं हो सकता कि मिड से बड़ा भी होना चाहिए एंड हाई से छोटा भी, नहीं, या तो मिड से बड़ा होगा या हाई से छोटा होगा। तो मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, इस बीच में आएगा, तो मेरी लो की वैल्यू ये बन जाएगी, ठीक है, और ये हाई रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन हो जाएगा एल्स, ठीक है। अगर मेरा टारगेट इससे बड़ा और इससे छोटा नहीं है तो मतलब मेरा टारगेट क्या है, इस बीच में। अगर मेरा टारगेट इस बीच में नहीं है तो मेरा टारगेट इस बीच में हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, तो हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन, या हाई इज इक्वल्स टू मिड कर दूंगा, ठीक है। हाई इज इक्वल्स टू एल्स हाई इज इक्वल्स टू मिड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्स। अब देखो ये चीज़ इतनी समझ आई कि मैंने क्या करा, पहले चेक करा अगर मेरा मिड का एलिमेंट जो है अगर वो हाई से बड़ा है तो यहाँ तक तो मेरा सॉर्टेड है और यहाँ तक मेरा दिक्कत वाला है। अब उसमें चेक करा कि दिक्कत वाले पार्ट में मेरा टारगेट हो सकता है या बिना दिक्कत, दिक्कत वाला कहाँ है, जहाँ पर हाई और लो थोड़ा वो है, ठीक है। तो दिक्कत वाले पार्ट में तो चेक करा कि अगर वो मिड से बड़ा है या फिर हाई से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 10 है मेरा टारगेट तो वो मिड से बड़ा है, ठीक है, और हाई से छोटा नहीं है, तो इसलिए और लिया, अगर एंड लेता तो यहाँ पर फॉल्स हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा टारगेट 1 होता तो क्या वो मिड से बड़ा है, नहीं, लेकिन वो हाई से छोटा है तो भी इसी इलाके में आना है, और इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है तो वो इस इलाके में आएगा कि अगर मिड से छोटा है या लो से बड़ा है तो इस वाले इलाके में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, फॉर यहाँ पर मैंने अपना क्या टारगेट लिया, 10 यहाँ पर वो था। अब जो है यहाँ पर देखो, एरे, जब ये वाली कंडीशन थी जब मेरा एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन एरे ऑफ हाई था, लेकिन अगर मेरा एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन एरे ऑफ हाई ना हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मेरा मिड था, ये मेरा टारगेट है, तो जब ये मेरा टारगेट है तो मैंने क्या करा, लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन हो गया, लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लो हो गया, ये मेरा हाई हो गया, ठीक है। अब मैं किस एरे को देख रहा हूँ, अब मैं सिर्फ इस एरे को देख रहा हूँ, ये मेरा लो है, ये मेरा लो, ये मेरा हाई, मिड क्या हो जाएगा, इसके बीच में आएगा, ठीक है, मिड ये है, ये जो भी होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं लो ले लेता हूँ, ये मैं हाई ले लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मान लो ये मेरा एरे है और ये मेरा क्या है, मिड है, तो अब ये क्या ये कंडीशन आएगी कि क्या मेरा मिड हाई से बड़ा है, नहीं है, क्या मेरा मिड हाई से बड़ा है, नहीं है। तो यार सॉरी, हाँ बार बार इस तरीके से करेंगे, ये मिड ले लो, यहाँ पर क्या था, मिड मेरा मिड जो है हाई से बड़ा था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा मिड ये होता, ठीक है, इसी में से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मिड ये होता, अब जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं, अगर मेरा मिड ये होता, क्या मेरा मिड हाई से बड़ा है, नहीं है, क्या मेरा मिड हाई से बड़ा है, नहीं है, तो इस इलाके में मिड से हाई तक में कौन सी वैल्यूज़ मेरी आती, जब नहीं है, जब मेरा मिड हाई से बड़ा नहीं है तो इस इलाके में मिड से लेकर हाई तक में कौन सी वैल्यूज़ आती, जब मेरा टारगेट जो है ग्रेटर देन मिड होता एंड लेस देन टारगेट लेस देन इक्वल्स टू हाई होता। कि भाई ये तो प्रॉपर, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा ना, तब मेरा अगर मेरा मिड जो है हाई से बड़ा नहीं है तो मतलब ये मेरा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला है। पहले क्या था कि मेरा मिड ये था और ये वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला था, अब ये वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, दोनों कंडीशन एंड वाली चलेगी, ठीक है। अगर मिड से बड़ा और हाई से छोटा है तब
तो मतलब राइट इस इलाके में है, मिड से बड़ा, हाइट से छोटा, तो मतलब लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन, लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन, एल्स हाई इज इक्वल्स टू मिड, ठीक है, एल्स हाई इज इक्वल्स टू मिड, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, अब देखो यहाँ पर लो, ये हाई, ठीक है, ये हाई। अब देखो हमने यहाँ पर ट्राई रन, देखो सिंपल सी चीज़ है, हमने बस ये पता लगाना था कौन से पार्ट में है, उस पार्ट को पता लगाने के लिए हमने ये कंडीशंस लिखी, ठीक है, उस पार्ट को पता लगाने के लिए हमने ये कंडीशन लिखा। ये मेरा आया मिड, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा, अगर मेरी वैल्यू जो है मिड से बड़ी है और हाई से छोटी है, तो मतलब वो इस पार्ट में है, क्योंकि इस पार्ट में कैसी वैल्यूज़ हैं, इस पार्ट में मेरी वो वैल्यूज़ हैं जहाँ हाई और लो दोनों हैं, मतलब 9, 10 फिर 1, 2, 3, दो अलग अलग सॉर्टेड एरेज हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये देखना है कि वो अलग अलग सॉर्टेड एरेज वाले पार्ट में आ रहा है, तो अगर मिड हाई से बड़ा हुआ तब आएगा दो अलग अलग सॉर्टेड वाले उसमें, तो उसमें चेक करना है कि जो अगर मैं अभी टारगेट 10 मानूँ कि टारगेट मेरा अगर मिड से बड़ा है या फिर हाई से छोटा है, तो मतलब मैं इस पार्ट में जाऊँगा। अगर टारगेट मेरा मिड से बड़ा या हाई से छोटा नहीं है, तो मैं इस पार्ट में आऊँगा। ये तो मेरी पहली कंडीशंस के वो हो गए। अब दूसरी के अगर मेरा मिड की वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मिड ये आता, अगर मेरी मिड की वैल्यू हाई से बड़ी नहीं होती, मतलब मिड से लेकर हाई तक मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर था और उससे पहले मेरा अलग एरे था, मतलब यहाँ तक तो मेरा सॉर्टेड एरे था प्रॉपर, तो उसमें चेक करना कि अगर राइट वाले पोजीशन में जाना है तो मतलब वैल्यू मेरी मिड से बड़ी होनी चाहिए और हाई से छोटी, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग वाले में जाना है तो मिड से बड़ी होनी चाहिए, हाई से छोटी, नहीं तो इस वाले पोजीशन में आएगा। अब इस तरीके से चलते चलते जब तक मेरा वाई लो लेस देन हाई है, तब तक मेरा चलता जाएगा। लास्ट में हम चेक करेंगे, अगर लो मेरा इक्वल्स इक्वल्स हाई हो गया, लो की वैल्यू इक्वल्स इक्वल्स हाई हो गई, मतलब इस कंडीशन तक चलनी है, लास्ट में क्या हो जाएगा, लो इक्वल्स इक्वल्स हाई, और जो मेरा टारगेट है वो एरे ऑफ लो के इक्वल नहीं है, टारगेट नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ लो, तो मतलब मेरा टारगेट इस एरे में था ही नहीं, रिटर्न कर देंगे -1, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे लो का इंडेक्स, ठीक है, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे लो का इंडेक्स। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अब इसका कोड देख ले, ठीक है, सेम चीज़ हमने यहाँ पर ली है, साइज़ ले लिया, लो ले लिया, हाई ले लिया। जब तक लो लेस देन हाई है तब तक ये हमारा ड्रामा चलता रहेगा। जब लो इक्वल्स टू हाई हो जाएगा तब हमारा ये ड्रामा रुक जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना, अगर लो की वैल्यू हाई के इक्वल हो गई, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि ये 0, 1, 2 ये मेरा लो है, 1, 2 ये मेरा हाई हो गया, तो यहाँ पर अब ये रुक गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3 ये मेरा हाई होता और ये मेरा लो हो जाता, तो हमें देखना है कि लो की वैल्यू एरे के इक्वल है, टारगेट की वैल्यू एरे ऑफ लो के इक्वल है या नहीं। नहीं है तो फिर रिटर्न लो कर देंगे, अगर है तो ये, ठीक है। तो चलिए इसे तो वाइंड अप करते हैं, सबमिट करते हैं। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। इफ इन केस यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ कमेंट। इसी के लिए साथ चलो वाइंड अप करते हैं।